फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है और आपके सामने लाया हूँ मैं एक नया सोनी होम थिएटर का, जो भी है पता है मुझे क्या है, लेकिन फिलहाल देखिए इसका जो अमेजोन से मुझे मिला है ये, और इसकी करेंगे आज अनबॉक्सिंग और इसका पूरा रिव्यू मैं आपके सामने पेश करूँगा, कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, पहले इसका इंस्टॉलेशन करो। हम कर दिया। अब फ्रेंड इतना तो मैंने ये बक्सा का डब्बा खोल लिया है, अब देखते हैं इसके अंदर है क्या। ये सिस्टम है, इसके अंदर काफी इसका शानदार दिख रहा है देखने में, और ये देखिए सोनी ब्रांड पूरा आ गया है सिस्टम ये हमारे हाथ में। और ये हाथ में दो तीन छोटे मोटे बच्चे हैं, आपको दिख रहे होंगे, फोटो दिखा दे रहा है इन बच्चों का। वही काफी खुश है, मतलब कि देखने के लिए कि जो मेरे चाचू मंगा रहे हैं, मेरे पापा मंगा रहे हैं, सिस्टम है क्या एक्चुअली। अब देखते हैं इसके अंदर बाकी और क्या मिलता है मुझे, बाकी थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जिसको मैं एक बार ओपन करता हूँ। चलिए हम लोग यहाँ से काट लेते हैं हल्का सा। मैंने ये ऑर्डर काफी सोच समझ के और देख देख किया था, और अब दिवाली चल रही है फिलहाल, तो इसी के हिसाब से मैंने क्या मुझे काफी सस्ते में मिल गया ये। फ्रेंड्स ये है इसका मेन वारंटी कार्ड जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसके बिना अगर ये आप ओपन करेंगे बॉक्स के साथ में से अलग कर लीजिएगा यहाँ से, और अलग करने के बाद अपने साथ अपने पास में रख लीजिएगा। काफी तगड़ी इसकी पैकिंग कर रखी है जिसने भी करी है, बताइए कपड़े से करी होगी। तो इसका ये आता है इसका मेन एम्पलीफायर, और ये है इसका HDMI केबल, और ये इसकी एक बुकलेट और दो सेल इसके होंगे। रिमोट रिमोट ना भाई, रिमोट इधर है, ये रिमोट है इसका, ये रिमोट है चाहिए। पहले इसको ऊपर करके देखते हैं ये है क्या। आगे मैं काटना मत। तो ये है फ्रेंड इसका एम्पलीफायर, जो सोनी ब्रांड है, ओ भाई। आप देख सकते हैं इसके ऊपर सोनी लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रांड का, और इसमें ये USB पोर्ट दिया हुआ है, बाकी वॉल्यूम की दिया हुआ है, बाकी इसके पीछे बहुत सारी चीजें है। अब ये देखता हूँ, मुझे तो पता नहीं कि कैसे होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, ओके फ्रेंड, अब देखते हैं बाद में इसके बॉक्स में और क्या है। काटना मत, काटना मत। इसको निकालने का तरीका बताता हूँ, अगर आप इसको मंगाते हैं ऑनलाइन तो सीधे ऐसे पकड़िएगा और सीधे एक बार में ऊपर खींचेगा। बस पकड़ो इसे, फिर दबा कर ऐसे करके देखिए पूरा पूरा सूटकेस से बाहर आ जाएगा। एक बॉक्स को कर दीजिए ना साइड में, और खोलते हैं इसकी किताबें। ये हो गया कट, ये है इसका सबमिशन, मेरे पास असेंबली है सबमिशन की, हाँ वही है, अभी वेट है इसके अंदर। हम इसको ऊपर करके देखते हैं इसका लुक कैसा दिखता है। हाँ भाई, पीछे टेप 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 लगी हुई है। कितना बड़ा स्पीकर, ये काफी वेट है इसमें, और ये इसका सोनी ब्रांड आप दिख रहा होगा आपको, ऊपर सोनी लिखा हुआ है, लग तो ओरिजिनल रहा है, तो आगे आगे देखते हैं उसमें कितना क्या होता है। ऐसे नहीं निकलेगा ना, साथ में केबल है, अभी देखिए पूरा वुडन बॉक्स है ये, और मेरे ख्याल से साउंड इसका अच्छा होना चाहिए, बाकी चेक करके देखेंगे हम बाद में। इसको रखते हैं साइड में। अब नंबर आता है स्पीकर का, स्पीकर के लिए ये अलग से असेंबली आ गई है, तो यहाँ से कट करते हैं। ये देखिए ये पांच स्पीकर हुए इसके अंदर साथ में छोटे छोटे जो डायमंड शेप के है, और साथ में इनका साउंड का अटैचमेंट दिया है जिससे ये एम्पलीफायर से कनेक्ट होगी, और एक FM का केबल दिया है शायद ये छोटा सा, हाँ ये FM केबल होगा, नहीं नहीं इसी का, इसी का है, हाँ दिखा दिखा खोल लेते हैं सारे। देखिए कैसे चमक रहा है सिर में,
सोने का से ओरिजिनल लग रहा है मुझे, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में पूरे सोने का। जैसे करेंगे तो जैसे लगे जैसे डायमंड से चमक रहा है। और आगे से ये इसकी छोटे छोटे स्पीकर है, काफी छोटे है लेकिन देखते हैं छोटे स्पीकर कैसा धमाल करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे बड़ी आप देखते रहिएगा वीडियो, कहीं भी स्किप मत करिएगा वीडियो। फ्रेंड्स तो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैंने थोड़ा सेटिंग से कर लिया है, बाद में इसी तरह से हम इसे दीवार के ऊपर सेट करूँगा मैं। तो ये इस तरह से रखता रखा है। पहले देखिए सबसे पहले आप इसका वूफर है जो कि आपके कमरे के एक साइड में रहेगा, बाकी मैं इसको अभी सेट नहीं किया, मैंने इसको सेट करके दिखाऊंगा मैं। और ये है इसका फ्रंट लेफ्ट का स्पीकर जो आगे की तरफ रहेगा, देखिए ऊपर ऐसे फ्रंट एल लिखा हुआ मिलेगा, दिखाई देगा आपको। और इसी के बाद सेम एक साइड में रहेगा सराउंड एल, ये SURL जो है सराउंड एल है, ये आपके पीछे बैक साइड में रहेगा। और ये स्पीकर है सेंटर का, ये आपके एकदम जस्ट टीवी के नीचे रहेगा या ऊपर रख सकते हैं आप। और ये है सराउंड राइट, ये जस्ट उसके आपके पीछे की तरफ बैक साइड में राइट में रखेगी। और ये है फ्रंट राइट, तो ये फ्रंट राइट आप जानते हैं फ्रंट राइट, तो आगे का जो राइट होगा आपका कोने का वहाँ पर आप आराम से रख सकते हैं। और ये इसका एम्पलीफायर है, इसको आप टीवी के साथ में अटैच कर दीजिएगा। अभी किया नहीं मैंने, वो करके दिखा दूंगा आपको, पूरा सब कुछ करके दिखाऊंगा मैं, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, थ्री। तो फ्रेंड्स ये मैं अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है मैंने, और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते करते फिलहाल अभी मैंने इसका मीटर लिया है एक दीवार का 7 फिट का, क्योंकि 7 फिट के हिसाब से पूरे चारों तरफ यूज करूंगा, और ताकि जो सराउंड साउंड रहेगा वो एक साथ ही और एक साथ हमें यूज मतलब मजा आए सुनने में। बाकी दीदी अभी सेट कर रहा हूँ, बाकी आप वीडियो देखते रहिए, मैं थोड़ी सेट कर रहा हूँ, थोड़ी वीडियो स्किप पिक कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोग को वेट ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स ये ड्रिल मशीन करके मैंने लगभग 2-3 स्पीकर तो लगा दिए है, और अब ये लास्ट स्पीकर मेरा बचा हुआ था सराउंड सिस्टम वाला, इसको भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। और फिर उसके बाद में लास्ट रह जाएगा इसका सब ऊपर, ये कुछ इस टाइप बन जाएगा, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, देखा जाए आपको एक वो पीछे है इस तरफ है और एक इस तरफ में है। और अभी LED मैंने उतार ली थी क्योंकि मैं वापस पूरा सेटिंग करूँगा, तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए आप, थोड़ा उससे पहले पहले तक। फ्रेंड्स मेरा अभी तक तो जो इंस्टॉलेशन करना था मैंने पूरा कभी कर दिया, सटल में देखिए सोचा कैसी हो गई है, काफ़ी टाइम लगा मुझे, कम से कम 1 घंटा लग गया मुझे, 1.5 घंटा लग गया पूरा सेट करने में। तो पूरा सेटिंग करने के बाद में जब मैंने इसे ऑन किया सिस्टम को, तो ऑन करने के बाद मतलब कि मुझे काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि ये अटैच नहीं हो रहा था, क्योंकि पीछे से मेरे से जो तार होता है वो गलत लग गया था। अभी फिलहाल मैंने सेट कर लिया है और आपको एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ मैं इसका, अभी मैंने अपने मोबाइल से कट किया है इसको, फिलहाल सिस्टम आपके सामने है। और स्पीकर आपको मैंने बताया दिया था कहाँ कहाँ पर है, इधर 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 चार सौ में, और जो सब बेस ऊपर है उसे मैंने इस साइड रखा है, और बेटर रहेगा कि आप इसको ऊपर रखेंगे तो और भी अच्छा हो सकता है, हो सकता है लेकिन ऊपर की तरफ मत रखिएगा जिससे कि बेस होती है खराब हो जाती है। चलिए मैं इसको अपने मोबाइल के थ्रू चला के देखता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है सिस्टम की, और ये क्या कर सकते हैं। अभी देखिए मैं ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल से आगे का स्क्रीन दिखाना, ये जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और वो चीज़ दोनों एक सेम दिख रही होगी आपको, देखिए जैसे मैं खेल रहा हूँ उस पर देख रहा है, तो इसमें से मैं कोई भी गाना चाहे फिलहाल कोई भी अच्छा गाना चाहो मैं चलाऊँगा ये। फ्रेंड्स ये तो था इसका मोबाइल थ्रू करने चलाने का, अब इसकी जो हाई क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आती है वो एक बार मैं चेक करना चाह रहा था, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी आती है, मैं यूट्यूब ऑन करता हूँ फिर देखते हैं कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। अगर पबजी खेलना हो तो खेल सकते हैं, और आप अगर आप पबजी खेलना चाहे बड़ी स्क्रीन देखा जाए तो कैसा दिखता है वो भी आपको खासा दिखाई देगा, तो वीडियो चलाता हूँ अपने अपने तरह की नहीं कोई गाना चलाता हूँ जैसे कि पबजी सॉन्ग न्यू पबजी सॉन्ग चला, पबजी सॉन्ग चलाता हूँ, पबजी सॉन्ग बच्चे बोल रहे हैं खड़े जो पबजी सॉन्ग चला दो, तुम लोग चला गया नहीं कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे खुल गया भाई। हाँ ये कोई नया गाना दिखा चला, इसी को ऑन करके करके देखते हैं कैसा चलता है ये, और इसे थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करते हैं, अब इसका जो रेवोल्यूशन है थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, इसमें भी क्वालिटी बहुत बेकार आ रही होगी, अब इसको मैं 720 पे ले जाता हूँ, और फिर देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आती है। गुड़िया गाना है गुड़िया थोड़ी
देना कौन कौन छूने में एक बार जब शुरू करे जरा सा मनाए जितना अच्छा आपका नेट होगा, जितना अच्छा आपका मोबाइल होगा, सिस्टम होगा, उतनी ही अच्छी इसकी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी मेरे मोबाइल से कनेक्ट है और एफएम वगैरह मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो भी चल ही जाएगा। और मेरे पास फिलहाल अभी ग्राफिक, हाँ 4SD ग्राफिक मैंने नहीं चलाया, तो वो एक बार चला करके देखते हैं। चला दिया है, ये डेमो देख रहा हूँ मैं कैसा होता है। बड़ा कर दो। फिलहाल अभी इसमें उस स्पीकर में आवाज आ रही है, अब इसमें आ रही है, अब पीछे और रखे हुए हैं, देखता हूँ कहाँ आवाज आती है इसकी। फिलहाल तो आ रही है, पीछे नहीं गई आवाज, गई नहीं, नहीं गई उसमें आ रही है, उसमें आ रही है, आई तो है। चारों तरफ में आ रही है ये, बड़ी करना वीडियो, जब बड़ी होगी चारों तरफ। तो ये था इसका एक छोटा सा साउंड टेस्ट, जो मेरे ख्याल से काफी ये पास हो गया अपने साउंड टेस्ट के अंदर। और बाकी का तो मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप ये सिस्टम लेना चाहेंगे और आपका बजट 20,000 से 25,000 के बीच में है तो आप आराम से इसको ले सकते हैं, बेटर रहेगा ये। और अगर आप चाहते हैं कि घर में अच्छा साउंड सिस्टम हो और आपके पड़ोसी आप पे जले तो इससे बढ़िया सिस्टम और भी नहीं मिलेगा आपको। टीवी कौन सा है? टीवी ये सोनी का है, फिलहाल सोनी ब्रेविया है मेरे पास में। और आप दूसरा भी अगर LG वगैरह है आपको ये तो आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ब्रो। थैंक्स यू, वेलकम, नमस्कार।